काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने कोई एनिमे सीरीज़ नहीं देखी थी, ना एनिमे कोई मूवी देखी थी। पता नहीं क्यों, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं मूवीज़ या सीरीज़ देखूं एनिमे की, नरूटो, ड्रैगन बॉल जी, वन पीस, इन जैसी एनिमे सीरीज जो थी वो मेरे बचपन में बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और आज भी वो फेवरेट है। इवन मैंने अभी तक ड्रैगन बॉल जी का सारे जो सीरीज़ जितने भी एपिसोड है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। हाँ, वन पीस का मेरे थोड़े बहुत एपिसोड रह गए, डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैं उनको कंप्लीट करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गोस्ट इन द सेल सेक 2045, एक एनिमे सीरीज के बारे में जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। और मैं एक ही बात कहूँगा कि काफ़ी टाइम से जब मैंने नहीं देखी थी, एक तरीके से इस सीरीज ने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया वापस एनिमे सीरीज या मूवी में। इस सीरीज को बहुत सारे लैंग्वेज के अंदर डब किया गया और हिंदी भी उसी में आती है, केवल इंग्लिश में नहीं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी ये अवेलेबल है और हमें तो हिंदी से मतलब है, खैर ये हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करें, इसके अंदर टोटल 12 एपिसोड हैं और अभी इसका फिलहाल फर्स्ट सीजन आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डबिंग के बारे में, और मैं एक ही बात कहूँगा इसकी डबिंग के बारे में, जो इस बार जो डबिंग मैंने काफ़ी टाइम से ऐसी कहीं देखी नहीं थी, नोटिस नहीं किया था मैंने अभी तक, पर इस बार की जो डबिंग है वो कमाल की है और आपको इवन वर्ड टू वर्ड डबिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी और कहीं पर भी फालतू की चीज़ें इसके अंदर नहीं घुसेड़ी गई, क्योंकि कोई इंडियन डायलॉग या फिर ऐसा कुछ भी रेफरेंस इसके अंदर नहीं दिया गया। अगर आप एनिमे की कोई भी सीरीज़ या मूवी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपने इस सीरीज़ का कोई कुल मिला के 2 या 3 अगर एपिसोड ही देख लिए, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इसके सारे एपिसोड देखकर ही उठने वाले हो। इस सीरीज़ में एक्शन भी है, लेकिन एक्शन से ज़्यादा इस सीरीज़ में ज़्यादातर ध्यान दिया गया इसकी कहानी के ऊपर। अब कहानी की बात करें तो एक 2045 का वर्ल्ड दिखाया गया है, जहाँ पर हर एक इंसान के पास एक साइबर ब्रेन है। साइबर ब्रेन का मतलब उनका नॉर्मल ब्रेन नहीं है, अब बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट ह्यूमन इसमें दिखाए गए हैं। और इसी वर्ल्ड में एक नया म्यूटेंट या एक नया इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन में, जिसे कहते हैं पोस्ट ह्यूमन, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पावरफुल है। अब वो लोगों को मारना शुरू करते हैं और फिर साइबर ब्रेन वाले जो हैं इनको रोकना चाहते हैं। जैसे तैसे इनको रोकने के लिए एक गोस्ट टीम हायर की जाती है जापान की गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक सेक्शन 9 का एक हिस्सा होती है, यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो एक पुलिस, पुलिस आप इसे कह सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा संक्षेप के अंदर ये कहानी बताई है, लेकिन इतना ही नहीं है, जब आप इस सीरीज़ को देखना शुरू करोगे तो आपको इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज भी इसमें बहुत देखने को मिलेगी आपको। और जो इसकी एंडिंग में जो सीन आता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला होता है, और मुझे सबसे ज़्यादा बात एनिमे की यही पसंद आती है कि इनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और इतनी बखूबी से वो चीज़ें इन्होंने लिखी होती हैं या बनाई होती हैं, हमारे सामने रिप्रेजेंट की हो जाती है कि हम इनसे जुड़े बिना रह ही नहीं पाते। और जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो आप पाओगे कि सच में इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, इसमें जो डबिंग है उसमें बहुत मेहनत है, इसके एक्शन, इसकी कहानी, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। और एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर जो पॉलिटिक्स से लेकर इसमें चीज़ें भी काफ़ी सारी दिखाई गई हैं, और जो इसमें आपस में जो आप बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल हम कह सकते हैं कि ऐसे नहीं कि एनिमे है तो कुछ भी बिना सर पैर की चीज़ें दिखा दी गई, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो इसकी राइटिंग है, जो इसके डायलॉग हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा सुपर पावर इसके अंदर नहीं दिखाई गई है कि आप सोचो कि ड्रैगन बॉल जैसी इसमें बहुत ज़्यादा सुपर पावर आपको देखने को मिलेगी, नहीं। एक कह सकते हैं कि ज़्यादातर कहानी के ऊपर फोकस ये स्टोरी आपको शुरू से लेकर आखिर तक अपने साथ बांध के रखने वाली है। और एक छोटी सी एडवाइस मैं यहाँ देना चाहूँगा, जब आप इस सीरीज़ को, इस एनिमे सीरीज़ को आप देखने बैठो, तो थोड़े से दिमाग के अपने चक्षु खोल के बैठना, क्योंकि कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, इसमें आप जब आप अपने दिमाग के चक्षु खोल के बैठोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ऐसा होगा कि आपकी सीरीज जो है वो तो खत्म हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप यही कंप्लेंट या यही शिकायत करते फिरोगे कि यार बहुत ख़राब सीरीज थी, बल्कि आपने देखने के लिए उसको अपने इंटरेस्ट नहीं जगाया, अपने दिमाग के चक्षु नहीं खोले होंगे। और जब सीरीज की एंडिंग होती है, हाँ, बहुत सारे सवाल आपके दिल में या मन में रह जाते हैं, बेशक उन सवालों के जवाब आपको सेकेंड सीजन में मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी जहाँ पर इसका फर्स्ट सीजन खत्म होता है, वो यार मुझे लगता है कि थोड़ा सा और दिखा देना चाहिए था, कि ऐसे मोड पे ख़त्म कर दिया कि एक और एपिसोड इसका मुझे देखना चाहिए था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला, मतलब इतना इसने कनेक्ट करके रखा है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा इसने मुझे इंस्पायर कर दिया कि जो मैंने एनिमे सीरीज़ बहुत टाइम से जो देखनी थी वो मैंने छोड़ रखी थी, मैं उनको कंप्लीट करूँ और बहुत जल्द मैं उनका रिव्यू भी करने वाला हूँ। खैर, मेरी तरफ से इस सीरीज़ को मैं देने वाला हूँ 7.5 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखना, एक अच्छी सीरीज़, एक अच्छी एनिमे सीरीज़ आपको एंटरटेन करने वाली है। और जिन्होंने देख लिया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को
ये सीरीज कैसी लगी और आपको कौन सी एनिमे सीरीज ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद है। यार बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।